पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी बुधवार को मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुए। इमरान के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से 3 दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बाद इमरान मुरादाबाद पहुंचे और अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पेश हुए। कांग्रेस सांसद को अदालत से जमानत मिल गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने 2019 में मुरादाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मुरादाबाद के गंजशहीद थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। 2019 में शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। प्रचार का समय निकलने के बाद उन पर रोड शो करने के आरोप लगे थे। गंजशहीद थाने में इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मैं पे एक झूठा मुकदमा दर्ज किया था प्रशासन ने, और पूरी तरह से झूठा मुकदमा था, लेकिन कोर्ट का आदेश था, मैं हाजिर हुआ हूँ। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, हाजिर हुआ था कोर्ट का आदेश। आरोप आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था जो पूरी तरह से झूठा था, और आने वाले वक्त में उसके तमाम साक्ष्य भी हमारे पास हैं। हम उसको हमारे वकील साक्ष्य रखेंगे, और चूँकि कोर्ट का आदेश था तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह माननीय कोर्ट का सम्मान करना था, मैं हाजिर हुआ। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं, सुपीरियरिटी की नहीं, मुझे तो मोहन भागवत जी से कहना है कि इस देश के दलितों से जो कई सदियों से वर्चस्व की जंग लड़ रहा है समाज, उसको लेके आपके पास क्या समाधान है? महिलाओं से जो वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है उसके लिए क्या समाधान है? आप कहते हैं डर का माहौल, इस देश की महिलाओं में डर का माहौल है। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ के इस देश के गृह मंत्रालय के हाथ में कानून व्यवस्था है, वहां एक महिला को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है। दिल्ली में एक एएसआई को मार दिया जाता है, अनीस राज नाम के का लड़का जो है वो मार देता है चाकुओं से, सीसीटीवी फुटेज है। कानून की व्यवस्था की हालत ये राजधानी की है। ऐसे में डर का माहौल, कानून व्यवस्था खराब, ये तो पूरे देश की स्थिति है। ऐसे में मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि महिलाएं डरे मत, दलित डरे मत, आदिवासी डरे मत। बाद में आप ये कहें कि आप जब चुनावी मौसम आता है तो आपको मुसलमान याद आते हैं, तब आप मुसलमानों पर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। आप मुसलमान को इस देश के नागरिक की हैसियत से कब देखना शुरू करेंगे? गुलाम अर्शद मंदी साहब ने महिलाओं के, लड़कियों की शिक्षा की बात की है। सबसे पहली बात तो लड़कियों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं कोई धर्मगुरु मुस्लिम समाज के, तो पहले तो इसका स्वागत करिए। समाज, मीडिया, राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बड़ी दकियानूसी है और महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ है मुस्लिम समाज। ऐसे में एक धर्मगुरु ये कह रहा है जिनका बड़ा बड़ा स्थान है इस देश के सामाजिक और धार्मिक, वो कह रहे हैं कि स्कूल महिलाओं के लिए अलग से खोले जाने चाहिए, तो इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। अब बहस इस पे है कि को एजुकेशन या सेपरेट एजुकेशन, ये एक बहस हो सकती है, तो वो उनके अपने विचार है और उन्होंने किस नजरिए से ये बयान दिया है मुझे लगता है उनसे बात की जानी चाहिए। बाकी बेटियां पढ़ें सबसे महत्वपूर्ण बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी तो इस नारे को चरित्रार्थ करने के लिए कुछ कर नहीं रहे। अगर समाज के अलग अलग हिस्सों के धार्मिक सामाजिक लोग आगे आकर के बेटियों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बेटियां जहां शिक्षित हों उसका स्वागत किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।